प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आएंगे। वह अति प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 भागीदार देशों के राजदूत भी मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडरों के पास स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के लिए नए परिसर का निर्माण किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। पीएम विशेष विमान से गया पहुंचने वाले हैं, उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। यहां से कार से नालंदा स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर का भ्रमण करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बनारस एयरपोर्ट से सुबह गया के लिए उड़ान भरेंगे और फिर वो गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नालंदा के लिए 10 बजकर 50 मिनट पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर में बने हेलीपैड पर पीएम लैंड करेंगे, जहां से वह विश्वविद्यालय कैंपस के सड़क मार्ग से मुख्य समारोह स्थल में पहुंचेंगे। पीएम 11:30 बजे तक समारोह में रुकेंगे। वहीं समारोह की समाप्ति के बाद 11:45 पर हेलीकॉप्टर से गया के लिए रवाना हो जाएंगे। उधर पीएम के आगमन को ही तैयारियां पूरी कर ली गई है। पीएम मोदी के उद्घाटन के पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में महाबोधि का पौधा लगाएंगे, जिसका इंतजाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया वर्ष 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखा गया था। इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 548 डिसमिल जमीन अधिग्रहण कर विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।